दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी कॉन्ट्रेक्शन की चौथी वीडियो, यानी हिंदी ब्रेल कॉन्ट्रेक्शन की चौथी वीडियो। तो यह है बिंदु चार द्वारा स्वतंत्र चिन्ह पर आधारित कॉन्ट्रेक्शन है, यानी इसमें जो कॉन्ट्रेक्शन हैं उनका प्रयोग पहले बिंदु चार का प्रयोग किया गया इन कॉन्ट्रेक्शन में, फिर उसके बाद उस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये बिंदु चार पर आधारित कॉन्ट्रेक्शन है, आप ये समझ सकते हैं। सबसे पहले इसमें है .413, यानी बिंदु चार और हिंदी वाला जो हिंदी ब्रेल में क लिखते हैं वो, उससे बनता है क्या। दूसरा है .4245, यानी बिंदु चार और ज, हिंदी ब्रेल का ज, इससे बनता है ज्यादा। अगला है .4145, यानी .4 और हिंदी ब्रेल का द, इससे बनता है द्वारा। अगला कॉन्ट्रेक्शन है .4246, यानी बिंदु चार और हिंदी ब्रेल का ध, इससे बनता है ध्यान। अगला शब्द है, कॉन्ट्रेक्शन है .412, यानी बिंदु चार और ब, इससे बनता है ब्रेल। अगला कॉन्ट्रेक्शन है .412356, यानी बिंदु चार और हिंदी ब्रेल में यदि आप समझे तो इसको आप देखेंगे इस आकृति को तो समझेंगे ये ब्रैकेट के रूप में, मैथ्स ब्रेल में ब्रैकेट के रूप में इसका प्रयोग होता है, और इसको हम उल्टा टाव भी कह सकते हैं हिंदी ब्रेल के हिसाब से। तो इससे बनता है क्यों, .4 12356 से। तो ये इसमें कुल मिलाकर छह कॉन्ट्रेक्शंस हैं, क्या, ज्यादा, द्वारा, ध्यान, ब्रेल और क्यों। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।